पवित्र मंदिर में भी बालिका के साथ बाबा ने किया है रेप और बच्ची की चीख पुकार से पड़ोस के लोग पहुंचे वहां पर और बाबा को पकड़ लिया। साधु की पहले तो की गई जमकर धुनाई और उसके बाद कर दिया गया उसे पुलिस के हवाले। आपको बता दें कि इस घटना के बाद जिले के कप्तान संतोष कुमार मिश्रा ने मामले की जाँच पड़ताल की आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। थाना शमशाबाद के ग्राम पहाड़पुर बेरागर में गांव के बाहर शंकर जी का एक मंदिर है जिसमें 65 वर्षीय साधु गोविंद दास 2 वर्षों से पूजा पाठ करा रहे हैं। दोपहर के बाद गांव के 3 बच्चे मंदिर के पास खेल रहे थे। बाबा ने 2 बच्चों को प्रसाद देकर घर जाने को कहा और 4 वर्ष की बालिका को मंदिर के पास बने अपने कमरे में ले गया। कमरे में प्रसाद खिलाने के बाद बाबा ने बालिका के साथ इंसानियत की सारी हदें पार कर दी और उसे मासूम बच्ची को अपने हवस का शिकार बना डाला। बहसी को इतना भी ख्याल नहीं आया कि वे एक नन्ही सी गुड़िया है और किसी माँ की दुलारी होगी और उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। बालिका के रोने की आवाज़ सुनकर मंदिर के पास मौजूद लोग तुरंत वहाँ दौड़े और बाबा को इस स्थिति में देखकर 2 मिनट के लिए समझ नहीं पाए, पर तुरंत उन्होंने बच्ची को रोता देखा और मामले को समझते हुए बच्ची को बचाया। और इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों को अपने ऊपर काबू नहीं रहा, उन्होंने इस साधु की करतूत से क्रोधित होकर जमकर इसकी पिटाई कर दी। हालांकि इसके बाद पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी गई। हादसे की सूचना मिलने पर CIO कायमगंज अखिलेश राय एवं शमशाबाद थाना अध्यक्ष आलोक सिंह यादव तुरंत मौके पर पहुंचे। उसके बाद पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन सिंह फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। SP श्री मिश्रा ने दुष्कर्मी साधु को पकड़ने वाले जागरूक ग्रामीणों को धन्यवाद दिया। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर साधु की उंगलियों के निशान लिए हैं। SP ने CO और थाना अध्यक्ष को मुकदमे को पॉक्सो एक्ट के तहत तुरंत चार्जशीट करने के लिए कहा है, जिसके बाद आरोपी साधु को जल्द से जल्द ही कड़ी से कड़ी सजा और हो सके तो लोगों की मांग है कि इस तरह के लोगों को फांसी की सजा दी जाए ताकि लोग आगे से इस तरह के कृत्य ना कर सके। समाज जिन पर विश्वास करता है वही विश्वास के साथ खिलवाड़ भी अक्सर करते हैं। पिताजी का क्या नाम है? जमन सिंह। जमन सिंह कहाँ रहते हो? समोटी। जिला कौन सा लगता है? कासगंज। क्या हुआ था? ये जो बवाल हुआ है क्या हुआ था? सच्ची बात है, किया है आपने? ये जो हुआ है बच्ची के साथ वो आपने किया है? बच्चा हमारा खेलने गए, 3 बच्चा थे तो जे मंदिर पर चले गए थे तो 2 बच्चे ने पंजीरी दे दी और इसको दे दी, इसको बंद कर लो, 2 बच्चा निकाल दे। बाबा जी ने मंदिर कमरे में ले गए, फिर घंटे कर्म करे चड्डी उड्डी खोली बच्चा के मारी बिटिया। अच्छा। हाँ खेल खेल न गई थी खेत पे, मकान बनू मेरे खेत पे। हाँ जा ही रहे तो आगे चलो पंजेरी लेने चलो। किसके साथ थी? मैं छोटे छोटे 2-3 बच्चा। नाम कुछ नाम पता मुझे? मेरे बच्चे ना जो बच्चों के साथ थी सीमा और मोहित, तुम्हारे छोटे हैं 3-4 साल के। एक सीमा 3 साल की, पंजीरी लेने मंदिर में चले गए। हाँ। क्या हो गया था? जोर का कमरा में ले गए, फिर वह को नाम मारो चट्टी तारी, तब आपको नाम फिर करो कुकर्म करो। हाँ। तेज बताओ ना, कमरा में लइए बंद करो, अपना चड्डी उतारे गंदे गरम करे। किन्ने? बाबा जी ने। कहाँ? मंदिर में। हाँ दादी का हुई? हाँ मकान उठो ता वह खेलन जाते उसको मंदिर में पंजरी लन चली सो जो भीतर बोले ये जो बोलना कौन? हाँ बच्चे बच्चे आओ संग आते। हाँ सब मौज तो हो सब बिना दौली कार। अच्छा। हाँ बिना निकाल तो जाए वो कमरा। कौन ले यो? हाँ भाई बाबा मंदिर वाले बाबा। अच्छा। गंदे कर्म करे जाना है उसे बात अभी हम रोन लगी है पता है ना, हम रोन लगी हूँ पर
12 साल की कम आयु के बच्चों के साथ इस तरह करने का फांसी की सजा का प्रावधान है, उसके तहत इसका कन्विक्शन हम लोग करवाएंगे। ठीक ठीक, मेन चीज़ इसमें पॉक्सो एक्ट, संशोधित कानून के तहत पॉक्सो एक्ट में जो 12 साल के कम बच्चों के साथ में दुष्कर्म करने पे फांसी की सजा का प्रावधान है भारत सरकार का जो कानून है, उसके तहत हम लोग जो है इसमें ये करवाएंगे, इसमें पॉक्सो एक्ट का कानून। प्रधान जो है यहाँ प्रधान जी और ये बाकी चेयरमैन और बाकी जो जनप्रतिनिधि है खासकर, उनको भी मेरे द्वारा ये बताया गया है, उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि इस तरीके के लोग जो भी लोग बाहर से आते हैं तो उनके बारे में ज़रूर जानकारी करें, और भी कोई ऐसे हैं किराएदार हैं ये है, उनका भी सत्यापन पुलिस थाने को ही बताया गया है कि वो भी आप नज़र में रखें, उसकी जानकारी रखें, और जनप्रतिनिधियों को भी बताया गया। तो हमारे चेयरमैन साहब प्रधान जो हैं उन्होंने ये बताया कि हम युद्ध स्तर पर इस पर कार्य करेंगे, और ऐसे जो भी लोग नज़र में आते हैं वो लोगों के बारे में सूचना अवगत कराएंगे, ताकि हम लोग ये चेक करा सके कि भाई कौन किस तरीके का व्यक्ति है। फारूकाबाद से ये थी मुकेश बाथम की रिपोर्ट।